हेलो एंड वेलकम टू एक्सेसिबल टेक इन्फो। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को स्क्रीन रीडर्स की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। वेल, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्क्रीन रीडर आप अपने फ़ोन्स, आपके टैबलेट्स, आपके स्मार्ट वॉचेस, आपके टीवीज, आपके लैपटॉप्स, आपके डेस्कटॉप्स में यूज़ कर रहे हैं, वो असल में आया कहाँ से, इसका शुरुआत कैसे हुआ था। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेल, ये कहानी जाती है लगभग 30 साल पहले। ये था सन 1986, जब एक एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट इन द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी कि IBM कंपनी, जिसका नाम था जिम थैचर, इन्होंने एक स्क्रीन रीडर को डेवलप किया था। इस स्क्रीन रीडर का नाम था IBM स्क्रीन रीडर। ये दुनिया का सबसे पहला स्क्रीन रीडर था और ये सिर्फ टेक्स्ट को ही पढ़ पाता था। ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि DOS के लिए ही बनाया गया था। और ये स्क्रीन रीडर को ट्रेडमार्क नहीं किया गया था, क्योंकि जिम ने इसे सिर्फ अपने कंपनी के कोवर्कर्स जो कि लो विजन यूजर्स थे उनके लिए बनाया था। फिर लेटर जिम ने अपनी टीम के साथ इसका एक अपडेटेड वर्जन निकाला, जिसका नाम था IBM स्क्रीन रीडर 2। ये स्क्रीन रीडर टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिकल इंटरफेसेस को भी एक्सेस कर पाता था। वेल, ये स्क्रीन रीडर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज 99 और IBM ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ भी कंपेटिबल था। वेल, बैक टू द प्रेजेंट, अभी हम जानेंगे कि एक स्क्रीन रीडर असल में फंक्शन कैसे करता है। तो एक स्क्रीन रीडर एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी होता है, जिसके द्वारा कोई भी ब्लाइंड या फिर लो विजन यूजर किसी भी स्क्रीन के कंटेंट को वॉइस या फिर ब्रेल आउटपुट के द्वारा एक्सेस करता है। स्क्रीन रीडर्स वॉइस आउटपुट के लिए TTS यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल करता है और ब्रेल आउटपुट के लिए एक्सटर्नल या फिर वायरलेस ब्रेल डिस्प्ले यूनिट का इस्तेमाल करता है। वेल, आजकल मॉडर्न डे स्क्रीन रीडर्स में वेरियस नेविगेशन ऑप्शंस आपको मिल जाता है, जस्ट लाइक नेविगेटिंग थ्रू कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, लिंक्स एक्सेट्रा। और अलग अलग एलिमेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक सेलेक्टिंग एन एलिमेंट, लेबल, आइकन, लैंडमार्क्स एक्सेट्रा। आजकल के सारे स्क्रीन रीडर्स में लगभग ये सारे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। वेल, आजकल हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इनबिल्ट स्क्रीन रीडर भी आपको मिल जाता है, जस्ट लाइक नरेटर फॉर विंडोज, टॉकबैक फॉर एंड्रॉयड, वॉइस ओवर फॉर iOS एंड क्रोमवर्क्स फॉर क्रोमOS। इसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल स्क्रीन रीडर्स भी मिल जाता है, जस्ट लाइक जॉब एक्सेस विद स्पीच, जिसे डेवलप किया था फ्रीडम साइंटिफिक ने 1992 में। और उसके बाद NVDA आ जाता है, जो 2006 में लॉन्च हुआ था, जिसे हम नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस से भी जानते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड के लिए आपको CSR मिल जाता है। एंड्रॉयड का मार्केट बहुत फ्लडेड है यार। और आपको एक और स्क्रीन रीडर मिल जाता है, जिसका नाम है ओर्का, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जॉब एक्सेस विद स्पीच के बारे में, जिसे हम जॉस के नाम से भी जानते हैं। आप सबको पता है कि ये फ्रीडम साइंटिफिक ने लॉन्च किया था सन 1992 में, पर असल में इसे डेवलप किया गया था बाय अ फॉर्मर मोटरसाइकिल रेसर, जिन्होंने 1978 के एक मोबाइल ऑटोमोबाइल रेस में अपनी नज़र लॉस कर दिया था। इसका नाम था टेड हंटर। इन्होंने 1985 में बिल जॉयस नाम के एक व्यक्ति के साथ एक इन्वेस्टमेंट किया और हंटर जॉयस कॉरपोरेशन नाम का एक एस्टेब्लिशमेंट किया। बट 1919 में बिल जॉयस ने कंपनी को बेच दिया और टेड हंटर बन गए इसके नाजायज बाप। और 1990 में हंटर जॉयस ब्लेजी इंजीनियरिंग और आर्किस्टन इनकॉर्पोरेटेड ज्वाइन होकर बना फ्रीडम साइंटिफिक। उसके बाद 1992 के जनवरी में लॉन्च हुआ इनका प्रोडक्ट, जिसका नाम था जॉब एक्सेस विद स्पीच। ये डेवलप हुआ था MS-DOS के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। वेल, इस प्रोग्राम के दो वर्जन्स मिलते हैं। एक है होम एडिशन, जिसे हम स्टैंडर्ड एडिशन के नाम से भी जानते हैं। ये नॉन कमर्शियल पर्पस और सिविलियंस के लिए बनाया गया है। और एक है प्रोफेशनल एडिशन, जिसे कमर्शियल एनवायरमेंट्स के लिए डेवलप किया गया है। जॉस में बिल्ट इन जॉस स्क्रिप्ट्स भी आते हैं, आप इसे एक्सटर्नली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट्स बेसिकली क्या होता है, स्क्रिप्ट्स एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होता है जो कि स्क्रीन रीडर्स को कंपैटिबल बनाता है किसी भी इनएक्सेसिबल या फिर इम्प्रॉपर प्रोग्राम को एक्सेसिबल वे में परफॉर्म करने के लिए। तो जॉस एक प्रॉपरली मैनेज्ड प्रोग्राम है, जिसका लेटेस्ट अपडेट भी 2022 में आया है, हाँ इसी साल। तो अब हम बात करते हैं नॉन यूजुअल डेस्कटॉप एक्सेस के बारे में, यानी कि NVDA। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रीडर है फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस स्क्रीन रीडर को पाइथन प्रोग्रामिंग से डेवलप किया गया था। इस प्रोजेक्ट को माइकल करन ने 2006 में स्टार्ट किया था। ये आपको 62 लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, बाप रे। एंड यस,
हिंदी इज वन ऑफ देम। ये एक्सक्लूसिवली एक्सेसिबल APIs के साथ परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक UI ऑटोमेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्सेसिबिलिटी। इसका भी आपको लेटेस्ट 2022 का अपडेट मिल जाता है। वेल, ये एक बहुत ही पॉपुलर स्क्रीन रीडर रहा क्योंकि ये फ्री था, एंड अबव दैट ये ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए भी बहुत एक्सेसिबल था। वेल, NVIDIA थर्ड पार्टी एडॉन्स को भी सपोर्ट करने लगा, और आजकल तो इसे टच स्क्रीन ऑपरेटर्स के साथ भी चलाया जाता है। वेल, एक और स्क्रीन रीडर था जिसका नाम था विंडो आइस, जिसे डेवलप किया था GW माइक्रो ने सन 1995 में। वेल, इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इन द ईयर 2017। इन लोगों ने रेकमेंड किया था कि विंडो आई यूजर्स स्विच कर दे जॉब एक्सेस विद स्पीच, यानी कि जॉस सॉफ्टवेयर में। अब हम बात करेंगे वॉइस ओवर के बारे में। वॉइस ओवर एप्पल का स्क्रीन रीडर है जो कि अवेलेबल होता है मैकबुक्स, iMacs, iPhones, iPads, स्मार्ट वॉचेस एंड TVs में। तो सबसे पहले ये Macintosh में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2005। ये आया था, ये macOS वर्जन 10 से अवेलेबल था। इसमें पहले से ही बल्कि एडवांस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूडेड थे। वेल, वॉइस ओवर का एक और अपडेटेड वर्जन निकला 2007 में। ये भी Macintosh के लिए ही था, बट जंप टू 2009, पहली बार वॉइस ओवर इंट्रोड्यूस हुआ iPhones में। उसके बाद 2010 में iPad में, जब iPad रिलीज हुआ था तभी से iPad में वॉइस ओवर पहले से ही इंस्टॉल था। वेल, इसके बाद ये सारे Apple डिवाइसेस में अवेलेबल हो गया, जैसे कि वॉच OS जो Apple का स्मार्ट वॉच है, उसके बाद Apple TV और iPods में भी। तो अभी हम बात करेंगे अपने प्यारे स्क्रीन रीडर TalkBack के बारे में। तो TalkBack गूगल का स्क्रीन रीडर है जो कि प्री इंस्टॉल डाटा है सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में। वेल, जो भी एंड्रॉयड गो के फ़ोन्स हैं उनमें ये स्क्रीन रीडर आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में आपको ये स्क्रीन रीडर प्री इंस्टॉल ही मिलता है। ये स्क्रीन रीडर 2009 में डेवलप हुआ था विद ग्रुप कॉल हुको डेवलपर्स। हुको डेवलपर्स जो गूगल का एक प्रोग्राम टीम था, उन्होंने सैमसंग के साथ टाई अप करके एक स्क्रीन रीडर बनाया जिसका नाम TalkBack था। ये 2009 अक्टूबर 20 ट्यूजडे को लॉन्च हुआ था। सबसे पहले ये सारे गूगल के फ़ोन्स, जो कि पहले नेक्सिस के फ़ोन्स के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद वो सारे गैलेक्सी फ़ोन्स में भी अवेलेबल थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो चलिए इसके कुछ मेजर अपडेट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब ये TalkBack वर्जन 5 में आया, तब सबसे पहले इसको प्राइवेसी सेटिंग्स इसमें डाला गया था। उसके बाद ऑडिबल फीडबैक और टेक्स्ट स्पीच सेटिंग्स का कुछ मेजर अपडेट्स था। उसके बाद वर्जन 6 में इसे कंबाइन कर दिया गया कुछ अलग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ, और इसको कंबाइन करके एक सिंगल प्रोग्राम में लाया गया जिसका नाम एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सूट था। उसी समय वर्जन 6 में इसे TVs में भी इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद जितने भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के TVs थे उनमें आपको TalkBack दिखना शुरू हो गया था। वर्जन 7 में आपको इम्प्रूव कंट्रोल्स और स्क्रीन सर्च फीचर इम्पोर्ट किया गया इसमें। वर्जन 8 में इसमें ब्रेल कीबोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, और वर्जन 9 में इसमें मल्टी फिंगर जेस्टर्स को भी इम्पोर्ट किया गया। वेल, फिलहाल TalkBack दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन रीडर्स माना जाता है, और ये प्ले स्टोर में लगभग 5 बिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया है। इनफैक्ट द अदर फोन्स हैविंग द TalkBack इंस्टॉल प्री इंस्टॉल ऑन देयर डिवाइसेस, फिर भी TalkBack को 5 बिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया। जब इस TalkBack को लॉन्च किया गया था तब गूगल का एंड्रॉयड वर्जन था एंड्रॉयड 1.6। अब हम एक स्क्रीन रीडर के बारे में जानेंगे जिसे हम नैरेटर के नाम से जानते हैं। इसे डेवलप किया था प्रोफेसर पॉल ब्लैंकहॉर्न ने, जो कि एक एमेरिटस प्रोफेसर है और जिन्होंने बहुत सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी कंपनीज को बनाया था। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज डॉल्फिन, जिसका एक स्क्रीन रीडर भी है जिसे हम डॉल्फिन सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। वेल, नैरेटर को इन्होंने बना था 1999 में, पर इसका इनिशियल रिलीज 2000 में हुआ था, फरवरी 17। हाँ, उसी टाइम को जब ये स्लैप डे किक डे ये सब होता है। तो नैरेटर 2000 में निकला था विद विंडोज 2000, जो कि एक विंडोज़ का ही एक एडिशन था। उसके बाद उस समय से विंडोज़ के हर एक वर्जन में आपको ये नैरेटर दिखाई देते हैं। तो ये था कुछ वेल नोन स्क्रीन रीडर्स के बारे में कुछ छोटे मोटे इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है हम लोगों को हमारे ये डॉक्यूमेंटेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कीजिएगा ताकि आप हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन ले सके। तो इसी बात पे अगले वीडियो पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।